हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज अंकुर। मैं रहता हूं दोस्तों। सुबह से मैं देख रहा था शाहरुख खान आज ट्विटर के ऊपर ट्रेंड कर रहे थे, और जब देखा तो पता लगा क्यों ट्रेंड कर रहे थे। देखो, लोगारो फिल्म फेस्टिवल हुआ था अगस्त के महीने में, वहां पर शाहरुख खान ने एक इंटरव्यू दिया था। वो इंटरव्यू को अब जाकर भाई पब्लिश किया गया। अब जब इंटरव्यू से सब सारी बातें निकल कर आई तो पता लगा भाई ट्रेंड होने का रीजन क्या है। तो शाहरुख खान ने शुरुआत करी, जो इंटरव्यू दे रहे थे ना, वहां उन्होंने बोला मैं स्टीरियोटाइप नहीं हूं, मैं हीरो टाइप हूं। मैं ना कुछ एक्शन फिल्में करना चाहता हूं, जो कि मैंने 2023 में की भी हैं और आगे भी एक्शन टाइप फिल्में करना चाहता हूं, और मैं इस तरह के किरदार निभाना चाहता हूं जो मैंने पहले नहीं निभाए। असासिन का किरदार, असासिन मतलब कि हत्यारा, मर्डरर, किलर, इस टाइप की फिल्म में किरदार निभाना चाहता हूं। अब लोग जो है इस किरदार, जो वर्ड वाला ना उन्होंने, उससे उनको किंग फिल्म से जोड़कर देख रहे हैं कि शाहरुख खान जो है किंग के अंदर एक हत्यारे असासिन होने वाले हैं। ये तो भाई जब फिल्म आएगी तभी पता लगेगा। बाकी उनके फ्यूचर प्लान्स के ऊपर भी बात हुई तो उन्होंने ये बोला, एक मैं फिल्म कर रहा हूं, कौन सी भाई साहब, अपना अमर कौशिक के साथ, जो कि हॉरर कॉमेडी होने वाली है, और प्रॉपर कॉमेडी भी करना चाहता हूं, जो कि भाई लोग उसको जोड़ रहे हैं किसके साथ, राजन डीके के साथ। पर इतना कह सकता हूं, किंग खान शाहरुख खान जिस स्टारडम के ऊपर है ना, ये अच्छी बात है। बहुत सोच समझ कर वो अपने फ्यूचर प्लान्स के ऊपर डिसीजन ले रहे हैं। ऐसे ही नहीं है कोई भी आया गया और भाई साहब साइन कर दे फिल्म बनानी। क्योंकि अब एक बार 1150 करोड़, एक बार 1050 करोड़ दे चुके हैं ना, तो पब्लिक अब उनसे उम्मीद यही करेगी कि वो लार्जर देन लाइफ भी अगर लेकर आए ना, तो उसके अंदर भी एक स्टोरी, एक क्लास होना चाहिए जिससे पब्लिक कनेक्ट करे, जिससे पब्लिक को पता लगे एक बड़े सुपरस्टार ने की है तो कुछ दम होगा। ऐसा ही नहीं कि अपने स्टारडम के नाम पर भाई साहब सिर्फ आपने फिल्म रिलीज कर दी और पब्लिक को वहां से कुछ मिले ना। तो ये अब जो चीजें चल रही है ना, इनके फ्यूचर प्लान्स के लिए बहुत तगड़ी हैं, और उनका आने वाला लाइनअप ऐसा होने वाला है कि पब्लिक भाई चौंक जाएगी। देखो, किंग का टीजर बहुत जल्दी हमें देखने को मिल सकता है। बताया जा रहा है कि किंग खान शाहरुख खान के बर्थडे वाले दिन किंग का टीजर आना है। ऐसा कहीं से भी है ना, रिसोर्सेज से नहीं आया, बट यही है कि भाई 2 नवंबर का दिन है, उनका बर्थडे है, तो इससे अच्छा डे क्या ही हो सकता है अपनी आने वाली फिल्म के एक ग्लिम्स को, एक अनाउंसमेंट करने का। अगर ऐसा हो जाता है तो अच्छी खासी हाइप बन जाएगी। बाकी जनवरी के मंथ के अंदर किंग की शूटिंग को शुरुआत करनी है। 25 में आएगी नहीं, 26 में आनी है, तो बहुत वक्त है। उसके बाद वो अमर कौशिक के साथ करेंगे, फिर हो सकता है वो राजन डीके को पकड़ें, या फिर भाई साहब लोकेश कनकराज भी हो सकते हैं, साउथ के डायरेक्टर जो शाहरुख खान को एक अलग अंदाज में पेश करें। वैसे तो लोकेश कनकराज अभी भाई साहब कूली में बिजी हैं, फिर बताया जा रहा है कि वो भाई एक सुपर हीरो फिल्म कर सकते हैं किसके साथ, आमिर खान के साथ। पर एक बात कहनी पड़ेगी, शाहरुख खान जो इस वक्त कदम रख रहे हैं ना, वो बहुत फूक कर रख रहे हैं, और एक अच्छे एक्टर और बड़े एक्टर के लिए ना यही निशानी है कि कम काम करो पर जितना करो क्वालिटी प्रोडक्ट और क्वालिटी कॉन्टेंट लेकर आओ, जिससे आपका फैन बेस जो है वो आगे ही बढ़ता रहे। ये सब चीज़ें इस उम्र के पड़ाव में आकर करना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इस वक्त पब्लिक को बहुत उम्मीदें हैं उनसे कि वो जो लेकर आएंगे वो दमदार होगा, और दमदार ही नहीं भाई साहब, डबल दमदार होना चाहिए। बाकी आप बताओ, आप कितने एक्साइटेड हो शाहरुख खान के आने वाले लाइनअप के लिए, और आपको क्या लगता है 2 नवंबर के दिन टीजर आ सकता है या नहीं आ सकता, या अनाउंसमेंट होगी या नहीं होगी, वो बताना जरूर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।